Very good evening to all of you. Welcome to Chopra Educational's YouTube channel. My name is Mehak. ये स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल ही बेसिक से अपनी इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल में न्यू है वो चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब कर दे. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज नाउन. नाउन क्या है? सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं. ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मटेरियल एंड इवन इमोशंस और आइडियाज. किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, मटेरियल किसी पदार्थ का नाम एंड इवन इमोशंस और आइडिया, ये सब नाउन ही होते हैं. अब मान लीजिए जो मेरा नाम है ये भी एक नाउन ही है. आपका नाम नाउन है. किसी जगह का नाम, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, जगह का नाम है, ये भी नाउन ही होगा. थिंग कोई वस्तु, लाइक आप लगा लीजिए जैसे पेन, ये भी एक क्या है, नाउन ही है. एनिमल किसी जानवर का नाम, मटेरियल किसी भी पदार्थ किसी धातु का नाम आ जाएगा. इमोशंस एंड आइडियाज, ये सब नाउन में ही अकाउंट होते हैं. अब थोड़ी एग्जाम्पल के साथ इसके बारे में पढ़ते हैं. नैन्सी, नैन्सी क्या है? किसी पर्सन का नेम है, ये भी नाउन ही होगा. गुजरात किसी जगह का नाम है, ये भी नाउन ही होगा. टाइगर किसी जानवर का नाम है. पेन किसी वस्तु का नाम है. मटेरियल गोल्ड जो होगा किसी धातु का नाम, गोल्ड हो गया किसी धातु का नाम. लव नेम ऑफ फीलिंग्स, ये सब नाउन में ही काउंट होंगे. अभी सबसे पहले इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन में कौन कौन से टाइप्स इसकी कौन कौन सी है. नंबर वन पे आ जाएगा प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन है क्या. प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. जो प्रॉपर नाउन है किसी पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर जगह का, किसी पर्टिकुलर जानवर का, किसी पर्टिकुलर वस्तु का, उसका नेम होगा, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे. किसी भी पर्सन, जगह, किसी वस्तु का, किसी जानवर का जो पर्टिकुलर नेम रहेगा, अगर हम उसको उसके पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं तो वो नाउन कहलाता है, वो प्रॉपर नाउन, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे. अभी सेकंड पढ़ते हैं कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. कॉमन नाउन किस कैटेगरी में आते हैं? जो किसी जनरल नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का जनरल नेम, किसी जगह का जनरल नेम, किसी जानवर का, किसी वस्तु का जनरल नेम, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. अब ये बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या फर्क क्या है इन दोनों में. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन. हमने पहले प्रॉपर नाउन पढ़ा था. जैसे हम किसी को किसी के नाम से बुला रहे हैं, नैन्सी ये नाम है. किसी को किसी के प्रॉपर, हम प्रॉपर नाम से बुला रहे हैं. किसी को किसी के पर्टिकुलर नेम से बुलाया जा रहा है, नैन्सी, ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन. पूजा, ये भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर नेम है किसी पर्सन का, किसी लड़की का पर्टिकुलर नेम है. आरती, ये भी किसी लड़की का पर्टिकुलर नेम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इसमें क्या आएगा, लड़की है ये. गर्ल क्या हो जाएगा इसमें, कॉमन नाउन, नैन्सी, पूजा, आरती, किसी पर्सन का, किसी लड़की का पर्टिकुलर नेम है, डेट इज प्रॉपर नाउन. अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन में कैनेडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये क्या है, किसी कंट्री का नाम है, किसी कंट्री का पर्टिकुलर नेम है, डेट्स वाई हम इनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में क्या है, ये कंट्री है, देश है ना, डेट्स वाई हम इन्हें बोलेंगे कॉमन नाउन. फर्क पता चल गया इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है. आगे हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन. ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप और ए सेट ऑफ एनिमल्स, पर्सन और थिंग. दे आर सिंगुलर वर्ड्स बट रिप्रेजेंट अ ग्रुप. ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं बट एक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को ना. ये है क्या, कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं.
ए नाउन डेट रेफर टू ए ग्रुप, जो किसी ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को, लाइक किसी जानवर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं, किसी पर्सन के ग्रुप को, किसी समान, किसी वस्तु के ग्रुप को ये रेफर करते हैं। ये है तो एक सिंगुलर वर्ड, बट रिप्रेजेंट किसको करता है, एक ग्रुप को। ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड ही रहेगा, बट ये रिप्रेजेंट करेगा किसी भी ग्रुप को। ग्रुप को ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एग्जाम्पल पे हम पढ़ते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, ये टीम ऑफ प्लेयर्स क्या आ जाएगा, ग्रुप आ गया एक। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये है तो एक सिंगुलर वर्ड बट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक ग्रुप को। प्लेयर्स टीम होगी, ग्रुप हो गया एक, बंच ऑफ कीज क्या हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, ये क्या कहलाएगा, डेट इज कलेक्टिव नाउन। अभी हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग, जो किसी मटेरियल को बनाने के लिए चीज यूज की जाए। एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड क्या है, धातु है। वुड क्या है, इसको भी किसी ना किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। सीमेंट, सीमेंट का यूज भी होता है। स्टील, इन सभी चीजों का यूज जहां पे किसी ना किसी चीज को बनाने के लिए किया जाता है, डेट इज मटेरियल नाउन। अब लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, द नेम ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, क्वालिटी और अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लव, लव क्या है, एक प्यार, इसको हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। बहादुरी, ना तो इसको हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ये सब इसी कैटेगरी में ही आएंगे। आज के सेशन में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, बिल्कुल ही बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। इंग्लिश के साथ मैंने आपको इन सभी चीजों की हिंदी भी बताई है। बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, वो इस मैंने अपने जो नंबर फर्स्ट वाली पे स्लाइड पे डाला हुआ है, आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। किसी ने ग्रामर की क्लासेस ज्वाइन करनी हो, वो हमारे जो गिवन नंबर है उस पे कॉल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन हम यहीं पे अपना कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।